सो हाय स्टूडेंट्स, तुम निश्चित भल थिबो, समस्ते घरे रहिबो, मास्क फास्क पिंधु थिबो सबु। सो नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट दि क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तुमको एटा भल भाव पढ़े दीथिली, तथापि आउ थरे हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। देख फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन, कन्वर्ट दि फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू सेल्सियस स्केल। तुमको मगुरु कही जितेबाला केल्विन स्केल थी ताको सेल्सियस स्केल रे परिणत कले आम 273 फेड़ीबा। ओके, तो आम से केल्विन स्केल रे थिले सेल्सियस स्केल रे परिणत कले 273 फेड़ीबा। मन कर 300 केल्विन अछि, ताको सेंटीग्रेड स्केल कलो केमती 300 फेड़ानो 273 ताले 27 डिग्री आसला। सेमती 253 डिग्री केल्विन अच्छी, ताको सेल्सियस स्केल रे कले कौन हम -273 फेडले 300 डिग्री सेंटीग्रेड रे आसला। सो आम जान लें केल्विन -273 ना कि केल्विन जितक थी से 273 फेड़े आसव सेंटीग्रेड रे आसव। ओके ठीक अच्छे, नेक्स्ट जीवा कन्वर्ट दि फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू केल्विन स्केल। देख सेल्सियस स्केल देखे सेल्सियस स्केल देटा आमको केल्विन स्केल रे परिणत करा पड़ो, सेमती सेल्सियस स्केल रे थिले नहीं कि सेल्सियस स्केल रे जदि अच्छी से 273 मिसेवा बोले आमर केल्विन स्केल पाइबा नहीं कि। सो एटा 250 नुहे, देखा जाऊ 250 भलिया किंतु एटा 25 डिग्री। ओके 25 डिग्री सेंटीग्रेड हला कि हला, आम केल्विन स्केल रे परिणत कले कौन कहिबा 25 डिग्री प्लस 273 मिसेबा आसीब 298 नहीं कि एटा कौन आसीब केल्विन स्केल रे पड़ आसीब। सो आम जान लें सेंटीग्रेड स्केल थी ताको केल्विन स्केल रे परिणत कले 273 मिसेवा सेमती ये अच्छी कौन देख 373 डिग्री सेंटीग्रेड एटा एटा तुम भावन जे 3730 एटा एक्चुअली 373 डिग्री सेंटीग्रेड लिखाई सीटा को आम कौन करवा 373 मिसाण 273 मिसेवा बोले आमर केल्विन स्केल रे पड़े आसो जहाँ हम मानते 646 केल्विन पड़े आसो। तो सेंटीग्रेड स्केल थी केल्विन स्केल रे परिणत कले 273 मिसेब सिंपल। ओके नेक्स्ट देखिबा कौन गिव रीजन, क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नाफ्थालिन बल्ब्स। देख पे नाफ्थालिन बल्ब्स डिसअपीयर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एज नि एनी सॉलिड्स। माने आम नाफ्थालिन बल्ब्स गुड़ाक देखीजे जाणीजे कर्पूर से गुड़ाक आम कहूँ जोटा कि आम गोदरेज फोदरेज गुटा आम व्वेन वी आर किपिंग आवर क्लथ्स इन द गोदरेज। सो वी आर किपिंग दिस नाफ्थालिन बल्ब्स इन साइड दि स्टोर बक्स। सो व्वे टू सेव फ्रम इनसेक्ट्स नहीं कि। तो नाफ्थालिन बल्ब कौन हुए डिसअपीयर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स। माने कौन हुए तुम्हें गोटे प्रोसेस पढ़े जोटा सब्लिमेशन कहते। सो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट्स। सो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये नाफ्थालिन बल्ब्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। सो एवेपोरेशन ऑफ नाफ्थालिन बल्ब टेक्स प्लेस इजिली, सो इट डिसअपीयर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बुझेला? तो नेक्स्ट देखिबा हमें we can get the small perfume sitting several meters away. देखो question number 3 रो b कोन छि, we get the smell of perfume sitting several meters away. so we when we are sitting several meter away, when you are sitting in the garden, you can get the smell of sweet foods which your mother is cooking in the kitchen. नै कि सेमते हबो आमे धूपकाठी जदि पूजा घरे लगे देवा से बासना मध्ये आमे बारियाड थिले किबा बाहर थिले मध्ये पाई परे। काहिं कहिलो इट इज दि प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन बा विसरण गुटे प्रक्रिया विषय तुमको आगरु कहिथली। सो व्हाट इज डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन इज ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर इनटू पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर्स ना कि विसरण गोटे एमती प्रक्रिया जो प्रक्रिय गोटे पदार्थर कणिका गुड़िक अन्य पदार्थर कणिका सहित स्वतस्फूर्त भाव में मिसी जाए सो परफ्यूम्स आल्सो सोस दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द डिफ्यूज सो परफ्यूम वेपोराइज वेरी फास्ट एंड वेपर्स डिफ्यूज इनटू द एयर इजिली दैट्स व्हाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे ओके सरला तीन नंबर नेक्स्ट देखा चार नंबर कौन अच्छे देख क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स प्रथम अच्छे वाटर सुगार नेक्स्ट अच्छे गैस ऑक्सीजन बा गैस नहीं कि तुम जान थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विषय जान सो सॉलिड स्टेट इज ओवर द पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर दैन द लिक्विड्स लिक्विड स्टेट रे पार्टिकल्स गुड़ाक र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट टू टे कम अच्छी सेमती गैस इन गैसियस स्टेट्स द पार्टिकल्स शो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने गैसियस अवस्था रे से कणिका गुड़िकर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न था से इतस्तत भाव एपटे सेपटे घूरी बुलंती आ सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार बेस थी सुगार यटा को आम उल्टे इनक्रीजिंग ऑर्डर मत लिखिपर सुगार ग्रेटर दैन वाटर ग्रेटर दैन ऑक्सीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उल्टा आम लिखिपर ना ऑक्सीजन रो कम थाए लेस दैन वाटर लेस दैन सुगार ओके बुझीपार बोली भावुची क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज दि देख आम क्वेश्चन नंबर फाइव को जीवा व्हाट इज दि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आम वाटर जानचे गोटे लिक्विड स्टेट अच्छे कि आम वाटर जानचे वाटर बा जल साधारणत आम तल अवस्था थाए नहीं कि सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे कौन थी जलटा फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे लिक्विड थाए नहीं कि आउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे सॉलिड थाई पारे किंबा लिक्विड थाई पारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे भापर थाई पारे किंबा लिक्विड स्टेट थाई पारे काहेकि पिले एमती हुए तुम टिके मोर वीडियो गुड़ाक पूर्व देखिबो सो आट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कौन हुए आमर आइसटा वाटर अवस्था को धीरे धीरे परिवर्तन हुए एटा कहते मेल्टिंग बा उड़िया रे कहते गलन प्रक्रिया माने जीरो आम जब हिट देवा आइस को जब हिट देवा सो ये टेम्परेचर बढ़ी बुझेगा कौन हम सी तार से हिट गुड़ाक से जो कठिन अवस्था थोड़ा आइस पार्टिकल्स मानक भितर जो गतिज शक्ति को बढ़ेब सो एमती गोटे सिचुएसन आसो धीरे धीरे बढ़ी 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 तांकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कमी हेबो आउ जल अवस्था को पलै आसीबो माने जलर अवस्था सी लाभ करिवो सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बरफर अवस्था रे मध्ये थाए आउ जलर अवस्था रे मध्ये रही पारे वाटर लिक्विड स्टेट थिबो किबा सॉलिड स्टेट थिबो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड रु जदी ऊपर को पलै आसिला माने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री ए समय रे कोन हो जल ही अवस्था रहइबो केते बेले पर्यंत जल अवस्था रहइबो 97 डिग्री पर्यंत कोन जल अवस्था रे ही थिबो 100 डिग्री पळे आसीले 100 डिग्री टेम्परेचर हे गेले कोन हो व्हेन द वाटर गेटिंग टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन दैट स्टेट्स व्हाट हैपेंस इट्स पार्टिकल्स गेटिंग मोर एनर्जी एंड कौन होटा गैसीय अवस्था को परिणत हो समय आउ टेम्परेचर बढ़ोनी तुम जिते हिट दे 101 डिग्री हेनी सब तल पदार्थ गैसीय अवस्था को परिणत होगा पर्यंत 100 डिग्री एका थी से कहते गुप्त ताप माने से जो हिट देव आ टेम्परेचर सी न बढ़े कि तार स्टेट चेंज करियारे से सहाय कर ओके सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे आम जान लें कौन सॉलिड किंवा लिक्विड अवस्था थाए
25 डिग्री सेंटीग्रेड से लिक्विड अवस्था ही रही है। शून्य डिग्री छड़ा शहे रु एक डिग्री आरंभ करी अनेशत डिग्री पर्यंत सी लिक्विड अवस्था ही थी। माने जदि क्वेश्चन आसव व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर आट 65 डिग्री सेंटीग्रेड तुम लिक्विड ही लिखा पड़ो है कि 100 डिग्री होगले लिक्विड स्टेट कि वेपर स्टेट हम सेमती 101 डिग्री सेंटीग्रेड होते हुए कौन वेपर स्टेट हम बुझेगा। सो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर जदि तुम फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर आट 105 डिग्री कौन एटा वेपर स्टेट हम बुझेगा बा वेपर स्टेट बुझेगा। ओके स्पेलिंग देखिबो ठीक तापर देखिबो एटा स्टेट गुडा को बुझी पड़ती है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट वाटर। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 एटे कोन देखो गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड आमर रूम टेम्परेचर रे वाटर लिक्विड अवस्था रे थाए माने साधारण तापमात्रा रे जल तल अवस्था ही थाए नहीं माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे काई कि थाए। देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकज इट हाज फ्लुइडिटी एंड हाज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ओके तार तार कौन इट हाज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप्स सेमती आमर साधारण लिक्विड अवस्था थाए कहीं तार डेफिनेट कौन वॉल्यूम थाए कि तार शेप समान न थाए सी इट हाव दि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइडिटी ताको आम गोटे बेलून भितर पूरेदे बेलून भाया लगे बटल भितर जब जल को पूरे दवा जल बटल भाया लगे गोटे बिकर रखिले बिकर भाया फनेल रखिले फनेल भाया लगे। सो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकज लिक्विड हाज डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप सेमती आयरन आलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो आमर आयरन आलमीरा गोटे को रूम टेम्परेचर रे कहीं सॉलिड रही था आयरन आलमीरा कौन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकज इट्स रिजिड हाज ए डेफिनेट शेप तुम जान तो रिजिडिटी रिजिडिटी इज ए माने दृढ़ता जोटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर इट कैन रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेप इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड रिजिडिटी मीन्स रेजिस्ट टू चेंज इट्स शेप तुमको यहाँ विषय आगु डेफिनेशन देपाई आलमीरा हो इटा हो रूम टेम्परेचर रे से माने कठिन अवस्था थांती इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे आर एट रूम टेम्परेचर बिकज दे हाव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड इट इज शोस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी हैविंग डेफिनेट शेप। ओके नेक्स्ट को जीवा। सो क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई इज आइस एट 273 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा व्हाई इज आइस यू सी कौन व्हाई इज आइस एट 273 डिग्री मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर आट सेम टेम्परेचर। देख 273 माने केते डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड केते डिग्री फॉरेनहाइट 32 डिग्री फॉरेनहाइट 0 डिग्री माने एटा कौन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तुम से केल्विन सेल्सियस आउ फॉरेनहाइट स्केल विषय आगु केते थर मु कहिछि तो 273 होची केल्विन माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर आट सेम टेम्परेचर आइस कहीं मोर इफेक्टिव हुए से विषय देखा। सो आइस आट 273 इज लेस एनर्जेटिक दैन वाटर इट इज बिकज द डिफरेन्स इन लेटेन्ट हिट अफ फ्यूजन व्हिच इज प्रेजेन्ट आट वाटर इज आट द सेम टेम्परेचर इन द फर्म अफ एक्सट्रा एनर्जी कौन कहला से देख द डिफरेन्स इन लेटेन्ट हिट अफ फ्यूजन व्हिच इज प्रेजेन्ट इन वाटर आट द सेम टेम्परेचर इन द फर्म अफ एक्सट्रा एनर्जी। सो देख आइस कहीं मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर आट द सेम टेम्परेचर देख आइस आट 273 इज लेस एनर्जेटिक दैन वाटर से माने देख आइस को जब आम गुप्त ताप दे लेटेन्ट हिट जो देवा से 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे से 273 केल्विन रे से 32 डिग्री फॉरेनहाइट रे से कौन करिबो
इट स्टार्ट गेटिंग काइनेटिक एनर्जी हिट जो दबा से हिट एनर्जी तार केमिकल एनर्जी परिणत हो काइनेटिक एनर्जी परिणत हो सो काइनेटिक एनर्जी पाई से गुड़िकर मॉलिक्यूल्स के भितर कौन अट्रैक्शन टे कमी कमी जीव आ तरल अवस्था को आसो वाटर हो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड रे हम तेणु आइसटा मोर इफेक्टिव इट इज लेस एनर्जेटिक बट वाटर इज मोर एनर्जेटिक बुझेला तेणु आइस इज मोर इफेक्टिव सेमती आम अन्य एग्जांपल पारिबा क्वेश्चन नंबर एट देखिबा व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टॉर्म देख व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर आउ स्टीम देख व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर कौटे बेसी माने सीवियर काम करे देख बर्न्स बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर कौटा आमर देह को जदि लगला हैला सीवियर बर्न्स कौटा आमर बेसी देह को सेंसिटिविटी अधिक देव बर्न्स जाड़ीदेव मन कर जाड़ीदेव मान कौटा बेसी तातिब नहीं कि तेज कार बेस बॉइलिंग वाटर और स्टीम 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 मान गैस गैस जो भेपर जो जो मान बाष्पीय बाष्प गुड़ाक बाहर से गुड़ाक बेस आम शरीर को मान सेंसिटिव बेस रहा बॉइलिंग वाटर बेस रख ये स्टीम प्रोड्यूसेस मोर इफेक्टिव बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर दिस इज बिकज स्टीम हाज मोर एनर्जी तुमको मुझे पढ़े थी स्टीम रे केत गोटे वाटर स्टीम रे केत हो जिते से काइनेटिक एनर्जी पाव कि अधिक टेम्परेचर बढ़ी नथिबो किंतु हीट एनर्जी तार जेते देबा जल को देबा जदि आमे हीट एनर्जी सेटा लेटेंट हीट भाव रे जलर पार्टिकल्स गुड़ी को चेंज करिया को चेष्टा कर से गैस अवस्था को सो इट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम सो स्टीम स्टीम गिव्स सीवियर बर्न्स सो स्टीम हाज मोर एनर्जी दैन बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तेणु हु प्रोड्यूस सीवियर बर्न्स स्टीम प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स सेमती देखा क्वेश्चन नंबर आम देखा सो यहाँ थी मोर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स रो एक्सरसाइज डिस्कशन तुम्हें केमती लगे निश्चित भाव में मत जन समस्ते एक्सरसाइज करब ओके सब नाइन्थ क्लास पे कहीं भी नोट करूनो सो इट्स अ टाइम व्हेन यू आर गेटिंग फ्री टाइम यू डू दि क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज एंड यू सेंड मी इन माय पर्सनल व्हाट्सएप ओके ठीक अच्छे समस्ते कर निश्चित भाव कर तुम कर सर नेक्स्ट आम चैप्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा पाठ आलोचना करवा ओके थैंक यू।